चार बज गए हैं, सुबह 12:30 बजे था, 4 बज गए हैं, उठना पड़ेगा। 4 के क्या 4:15 हो रहे हैं, 4:15 हो गया मेरे को, उठना पड़ेगा क्योंकि मामू ने बोला था 5:15 बजे पहुँचना है टेम्पल। तो चलो भाई उठते हैं और नहाता हूँ उठ के, अब बने रहना आज की वीडियो में। तो भाई मैं नहा लिया हूँ, 5 बजने वाले हैं, 5:15 तक मामू के पास पहुँच रहा है सीवाल में। तो चलो फिर रेडी होते हैं, मैं कपड़े भी -18 डिग्री के निकाल लिए, बस जो मिले भाई वो निकाल लिए फटाफट। मैं रेडी हो गया हूँ, भगवद गीता मैंने रीड कर ली है, और ये ड्रेसेस हैं जो हम लुधियाना से लेके आए थे, अब ये गाड़ी में लोड होंगी और उसके बाद भगवान जी की आज सर्दियाँ डिक्लेयर हो जाएंगी, तो बस अभी सारी की सारी गाड़ी में रखनी है ड्रेसेस। भाई एक चक्कर तो लगा दिया मैंने, सामान रख दिया, बाकी डिग्गी में रखता हूँ। गली बड़ी शांत पड़ी है, पूरी गली शांत। अभी तो कुछ ही बैग हुए हैं, अभी तो और भी हैं। निकल गया हूँ घर से, बस मामू के पास जाना है और फिर सामान सारा रख लिया मैंने। भाई पहुंच गया मामू के पास, मामू आ जाओ रे रिश्ता। ओए पुश पुश जय जगन्नाथ, मामू सिर तेरे पास हाथ रखो, सिर तेज जय हो। आज हम जा रहे हैं ओरन सिस्टम महोत्सव मनाने के लिए, पूरी टीम जगन्नाथ जी की। सीधा ही जाना है भाई, अभी एक फूलों की माला देनी है किसी घर पे आगे। टी पॉइंट तो राइट, हां राइट नहीं उस साइड, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट। मैं भी क्या, मैं कह राइट की में हो सकता है यार, 3:30 तक उसी उठ के मैं उठया सीगा, व्लॉग च देख लियो कितने बजे उठया था, फूल भी दे दिए आज के लिए। चलो भाई हम जगन्नाथ टेंपल, तू कह रहे थे ना कि इतना क्या है, बालों हाथ चेक करके देख लो, हाथ ला के आ ले देख, हजी भी कंफर्म नहीं कर, गिल्ले कंफर्म कर रहे थे, तो भी यकीन नहीं हो रहा मेरे से ना क्या ना यार, इतना भी की गल है भाई। बताओ देखो चंडीगढ़ देख लो, सवेरे सवेरे 5:15 बजे फॉग नहीं है यार आज, फॉग वैसे होती है रोज, नहीं है बाहर है, आउटर पे चंडीगढ़ से अभी यहाँ नहीं है, लेकिन शांत पड़ा देखो सारा चंडीगढ़ दिख रही है, इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही हैं, वो भी हमारे जैसे कोई मंदिर चला होगा। हम ही पहुंचे हैं देखो, पहले अंदर मिठू को आवाजे मार रहे हैं मामू। चलो भाई हल्का हल्का चलिए, आगे लेके चला, आगे चला, हम आगे जल्दी मिठू दौड़ गए कि भाई जल्दी जल्दी चलो धाने, चलो भाई जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का रथ अंदर ही जा रहा है भाई, ये गाड़ी जगन्नाथ जी की है, अंदर ही जा रही है भाई, सामान सारा का सारा। हम आलो इन रख दो, आलो अभी अल्ट्रा क्लोज है, बस भाई यही यही सामान था वो। अब भाई सिर डरा रहा है, मैं टोपी पहन लेता हूँ। अपना जगन्नाथ टेम्पल ना तीनों तरफ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी, तो ये तो होता ही है, और यहाँ से भी ओपन। जय जगन्नाथ, भैया की जय, सुभद्रा मैया की जय, महाप्रभु जगन्नाथ की जय, पूरी धाम की जय, सुदर्शन महाराज की जय। खुल गया देखो, सारे के सारे लिखे हुए हैं कौन से किसकी है। ये जगन्नाथ जी की बेडिंग है, ये वाली ग्लव्स, ये जगन्नाथ जी ग्लव्स है ना। अभी मैंने टोपी पहन लिया, ये मैं सोचना कि मेरे को ज़्यादा ही वो ठंड लग रही थी, ऐसी बात नहीं है, बाल ना मेरे पूरे के पूरे गिल्ले हो रखे हैं, तो इसलिए हवा लगती है ना वो अजीब सा ही होता है, सर झन्नाट जाता है, तो इसलिए मैं टोपी पहनी। वैसे भाई सर्दी है देख रहे हो, परम वैष्णव के पास, परम वैष्णव जय हो भोले बाबा। मैंने आपको उठा दिया जल्दी, सबसे पहले उठा दिया हमने आपको, उठते ऐसे इसी टाइम उठते हम जल्दी उठ गए क्योंकि आना था हमने यहाँ पे। गरुड़ जी के स्तंभ से पहनाना स्टार्ट कर दिया, नीचे पहले उनको शॉल दिए फिर ऊपर ये, अब गरुड़ जी को पहनाएंगे। अभी गरुड़ जी के ड्रेस आएगी विंटर वाली, तो मैं आपको बता दूं गरुड़ जी कौन है। गरुड़ जी हैं विष्णु जी के वाहन, और विष्णु जी कौन है, स्वयं जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, जिनको नहीं पता वैसे तो सबको पता है, तो मैं बता देता हूँ, तीनों भाई बहन हैं, ये कृष्ण का ही अवतार हैं, और सुभद्रा महारानी की सिस्टर हैं, और बलदाव जी इनके बड़े भैया। नवग्रह हैं, उन सबकी ड्रेस चेंज होगी, जो सारे नवग्रह हैं ना ऊपर उनकी ड्रेस भी चेंज होगी, श्री मैया की भी होगी, फिर बिमला मैया की भी चेंज होगी। बस बस
सर्दी नहीं लगेगी ना अब। जय हो नरसिंहान जी। नरसिंह मोहन जी के भी वस्त्र चेंज होंगे, सबके होंगे। नरसिंह मोहन जी भी फुल रेडी हो गए हैं, वुलन ड्रेस पहन के, वुलन ड्रेस पहन के रेडी हो गए। अब हम देव जी की ड्रेस चेंज होगी। चलो भाई ऊपर रेडी हो गए हैं, वामन देव जी रेडी हो गए हैं ड्रेस पहन के। हम कह रहे मैं भी चढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथों से सेवा ले रहे हैं। गणेश जी भी रेडी हो गए अपने। हनुमान जी की टर्न आ गई है, हनुमान जी भी रेडी हो गए। ये लो भाई जगन्नाथ जी भी विंटर ड्रेस होगी डिक्लेयर। ये लो भाई आ गए, कितने अच्छा लग रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा अबे एडजस्ट कर लो, फिर मैं इसको शाम को कर दूंगा इसको सही। अभी ओ लड्डू गोपाल जी ठीक है। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। गरुड़ जी की ये हाथों के लिए भी पुष्प की माला है, कितने अच्छे लग रहे हैं बता रहे हैं। एक दो चीजें और लेके आनी है जाके, वो मामू के घर पे है, तो वही मामू के घर से जाके बस 15-20 मिनट में मारे हैं वापस। चले मामू, मामू तो लगे दर्द मत करने। ये गाड़ी अंदर तक पता कैसे आ जाती है, क्योंकि ये जगन्नाथ जी की ही गाड़ी है, ये जगन्नाथ जी का ही रथ है। चलो भाई निकलते हैं अब, माहौल बनाना पड़ता है, काम शुरू करना भाई। माहौल बहुत जरूरी है, माहौल बनाना पड़ता है, माहौल के बिना कुछ नहीं होता। आज से मेरे ख्याल से 6-7 पहले, 6-7 साल या मतलब हाईएस्ट वाइज हम 10 साल पहले लगा लो, ये ट्रैफिक होता था चंडीगढ़ में, है ना। ये ट्रैफिक था, मतलब गाड़ियां जा रही हैं एक रोड पे, 10 गाड़ियां जा रही हैं ज्यादा से ज्यादा, ये ट्रैफिक था भाई। और अब दिन में दिखाऊंगा, अब तो यार जाम लगा होता है, नहीं तो चंडीगढ़ पहले ये हाल था ऐसा, और कोहरा बड़ा होता था इस टाइम तो। सामान ले लिया हमने, बस अब हम निकल रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल, विद इन 5 मिनट पहुंच जाएंगे। देखो सूरज भी आ गया, प्रणाम कर दो, जय सूर्य देव। पहुंच गए, चाबी जेब नहीं है ना, पता नहीं तो जेब नहीं होगी चाबी, और नवग्रह रह गए हैं अभी। हम जा रहे हैं शिव परिवार के पास, वहाँ पे भी करना है जल्दी जल्दी, ऐसे होती है ना व्लॉगिंग, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। जगन्नाथ जी हो गए रेडी, बस सिर्फ नवग्रह रह गए हैं, शिव परिवार भी रेडी हो रहे हैं। और यार मेरे को प्रसाद नहीं मिला, मैं बाहर का प्रसाद ले जा रहा हूँ, पूछा मेरे लिए रखा नहीं प्रसाद, रखा है ना बस दे दो, बहुत मैं थोड़ा प्रसाद खाना मर जाए यार, प्रसाद बिना मेरी तो गति नहीं भाई। नीचे ड्रेसेस बना रहे हैं नवग्रह की, और मैं ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखो भाई हो गए हैं सारे नवग्रह भी कंप्लीट, रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और राहु केतु हो गए भाई कंप्लीट। बिमला मिया जी भी रेडी, जगन्नाथ जी का बेड भी तैयार हो गया, जगन्नाथ जी का बैठ गया। चलो प्रसाद जरूरी था तो लेना था। प्रथम भोग अभी खाया। चलो भाई निकलते हैं, जाकर रेस्ट करूँगा सच में, वैसे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, कोई काम हो तो काम निपटा दूँगा। मैं पहुँच गया हूँ घर पे, मामू को ड्रॉप कर दिया था उनके घर पे, अब जाना है दोपहर में 1-2 बजे के करीब जाएंगे। मामू ने बोला कि फ्री रहिए 2 बजे तक, मैं धूप में गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आज सबकी ड्रेसेस बुलन की पहनी गई हैं, मतलब आज से डिक्लेयर हो गया है जगन्नाथ जी का सर्दियों का टाइम, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज है उड़न षष्ठी, जो भी शाम का प्रोग्राम होगा वो भी मैं कैप्चर करूँगा, बने रहना वीडियो में क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहना। आज मैंने पहली बार लाइफ में पहली बार ना जितने भी डीटीज थे उनको वस्त्र पहनाए हैं,
पहली बार लाइफ में मामू ने बोला कि चल तू पहना इस बार तो अच्छा लगता है, तो भाई अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो ठीक है बने रहना, मैं चलता हूँ ऊपर, एक मतलब घर पे जो काम करने कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं सोऊंगा नहीं, अगर सो गया तो यार दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मुझे पता है उठा नहीं जाएगा, फिर एक दो बज जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि रात को मैं 12:30 बजे तो सोया था और सुबह 4:15 बजे उठ गया था, आपके सामने ही है जो भी है। तो प्लीज़ बने रहना इस वीडियो में, और यार लाइक शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, अच्छा लगता, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, एक सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ता है ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब कुछ कर रहा हूँ मैं। भाई आते ही ना मेरे को पता था, एक दो काम किए मैंने, आते ही सो गया। ओए भाई अब चलो रेडी हो रहा हूँ दोबारा, मैं हो गया रेडी, बस अब जो भी काम करना है टेंपल का वो करता हूँ, उसके बाद बस जो भी आप वीडियो देखते रहना, बस 5 बजे प्रोग्राम पूरा स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई निकल रहा हूँ मैं, जो जो भी काम करना है। ठीक है अम्मा, अरे कृष्णा मम्मी और आएंगे शाम को, क्या अब तो मेरे चक्कर लगते रहेंगे, आना जाना होता रहेगा। भाई मेरी साथ वाली सीट में बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, आना लड्डू जी। चलो भाई हम पहुंचने वाले हैं बस, अब भाई पहुंच गए पहुंच गए। माइक में लग गए भाई, बढ़िया। मेरे को ध्यान नहीं था क्योंकि मैं आधा नींद में था, सुबह को यही था ऑरेंज, सुबह ऑरेंज था अभी भाई। हाँ बढ़िया लग रहे हैं सब, डेकोरेशन बढ़िया नाइस करात है, खिंचता काम। ये क्या लगा दिया, ये चल रहा है कुछ, ये भी चलना चाहिए ठीक है। हाँ ये ले ऐड आई भाई, अब तो मेरे को निकलना है, एक दो सेवा और करनी है क्योंकि बंदे आने स्टार्ट हो गए हैं, अभी तो यहाँ पे गाड़ी खड़ने की जगह मिल गई, रात को नहीं मिलेगी। भाई मैं घर पे भी आ गया था, ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट पहन ली है, अब जैकेट पहन के निकलते हैं और जा रहा हूँ मैं। अभी कीर्तन होगा यहाँ पे, सारे बैठ गए हैं और अंदर दर्शन चल रहे हैं जगन्नाथ जी के। सच बोलो तो भाई ठंड बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, सजाया हुआ है पूरा जगन्नाथ टेम्पल, मैं तो पीछे बैठ गया, हमें वीडियो बनानी इजी हो जाएगी। क्या तात्पर्य है, हम लोग रूटीन में जगन्नाथ मंदिर आने वाले हैं, ज़्यादातर हम लोग श्री चैतन्य गौड़िया मठ से कोई इस्कॉन से संबंध रखते हैं, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओढ़न षष्ठी मीन्स ओढ़ना, ओढ़ना क्या, गर्म वस्त्र। आज से ठंड ऑफिशियली शुरू हो गई। भाई यहाँ पे चल रही हैं प्रसाद की तैयारियाँ, अभी चल रहा है प्रसाद। ओहो हरे कृष्णा, कैसे हो, बढ़िया, मुझे नहीं पता था आप आए हुए हो। प्रसाद चल रहा है भाई, बढ़िया। भाई अभी मैं जा रहा हूँ ऑयल लेने के लिए, कम पड़ गया तो जाना पड़ेगा, मेरे तो ऐसे 3-4 रेड़े निकल जाते हैं अंदर कीर्तन में, तो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ कीर्तन, तो जाना आना है मंदिर के साथ ही मार्केट में। एक घंटे का और रह गया है फंक्शन, बस मैं लेके जा रहा हूँ सामान जो लेने आया था। यार पता नहीं मेरे को ठंड लग रही है, ठंड होगी ज़्यादा। फंक्शन भाई कंप्लीट हो चुका है, प्रसाद चल रहा है नीचे भी, बेसमेंट में भी, बाहर भी, तो बस प्रसाद लेने के बाद चलते हैं घर पे। बस और नहीं बस बोले तो अब लगे हम प्रसाद खाने के लिए। कहाँ है सुखी सब्जी आई है अभी, आई वहाँ लग गया है, सब प्रसाद आके जा चुके हैं, हम ही रहते हैं। रोहित ब्रेड ने भी पाला है प्रसाद, माला गर्म लग गया। मेरा ना प्रसाद खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं,
फिर याद आया जगन्नाथ जी का प्रसाद है, मना नहीं कर सकते, मना नहीं करता जगन्नाथ जी का प्रसाद। भाई प्रसाद हो गया बढ़िया सब, आज तो जगन्नाथ टेम्पल खाली हो गया, मैं ही निकलूँ यहाँ से सबसे पहले अभी खा के। सारी सेवा टीम लगी हुई थी प्रसाद बनाने के बाद खाने में। ओ भाई पहले मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं ना नहीं खाता क्योंकि रात को मैंने थोड़ा सा खाना अवॉइड किया हुआ है, लेकिन फिर मामू ने ज़बरदस्ती यार भाई, फिर मेरे को याद आया, मैं कहा जगन्नाथ जी के प्रसाद को मना नहीं करना कभी भी। चलो भाई प्लेट दो तू प्रभु जी। मैं नहीं मेरे को एक भी नहीं, मीठा है मीठा मीठा मीठा। वाह भाई पान भी मिल गया बाहर करके, सारे चले गए देखो सारे, बस हम ही हैं ठीक है ओके। ऐसी सेवा करते रहो सारी उम्र, जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही सारी उम्र सेवा करते रहो यही चाहिए है। तू एक बार घर पहुंच, मैं देखा जो लोड पड़ी था। तो भाई मैं घर आ गया था, आके एडिटिंग पे बैठा हूँ, अभी हो गया टाइम 1:15, 1:10 हो गए बस एडिटिंग कर रहा हूँ। आज का दिन भी कैसे निकल गया नहीं पता लगा, आज का दिन बहुत ही ताबड़तोड़ और बहुत औसम निकला है। जगन्नाथ जी को आपने देखा कितने प्यारे लग रहे थे, ऐसे ही हमारे फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, कभी गौड़िया मठ में आ जाता है, इस्कॉन में आ जाता है, जगन्नाथ टेम्पल में आ जाता है, पूरे साल फेस्टिवल चलते हैं। तो ठीक है आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट कुछ आ रहा है अच्छा सा आएगा बहुत बढ़िया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करते रहना। मिलते हैं कल नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।